गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? देखिए, आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आप रेगुलर अपने वीडियोस को पूरा देखें, चैप्टर कई सारे कवर हो रहे हैं हमारे, तो आप लोग रेगुलर उससे जुड़े रहें, वीडियोस पूरा देखें, नोट्स को प्रॉपर नोट डाउन करें और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आवर चैप्टर 31, मनुष्य में युग्मक जनन की क्रिया। देखिए, युग्मक जनन क्या होता है? मनुष्य के अंदर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की हमने बात करी थी। नर जनन तंत्र से किसका निर्माण होगा? युग्मक का। और मादा जनन तंत्र से किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का। तो इस युग्मकों के बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन के अंदर पहले हम बात कर रहे थे नर युग्मक यानी शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया। शुक्राणु जो होता है, वो शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से 74 घंटे का समय लगता है और 2 चरणों में ये सब प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। देखिए, शुक्राणु जनन की जो क्रिया है यानी शुक्राणु के निर्माण की क्रिया, वो 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला, शुक्राणु पूर्व का निर्माण, यानी शुक्राणु बनने से पहले कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं वो चीज क्या होगी? शुक्राणु पूर्व का निर्माण, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखिए, आपको इंग्लिश नेम भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये चीज। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है? कई बार क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के से भी आए हैं, तो आप याद रखेंगे शुक्राणु पूर्व के निर्माण की क्रिया को ही हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं। दूसरी चीज, शुक्राणु में रूपांतरण। अब पहले जो हुई क्रियाएं उसके बाद वो शुक्राणु में कैसे परिवर्तित होंगी, ये चीज कहलाती है स्पर्मेटोलियोसिस कहलाती है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, गुणन प्रावस्था। नंबर सेकेंड, वृद्धि प्रावस्था। और नंबर थर्ड, परिपक्वन प्रावस्था। ये जब होता है, जब शुक्राणु जनन की क्रिया कब होती है? जब पूरी तरह लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, यानी पूरी तरह से लैंगिक परिपक्वता आ जाने पर ही शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। नंबर फर्स्ट, अब हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट गुणन प्रावस्था की। जनन कोशिका, देखिए कोई भी शुक्राणु बनने की क्रिया है या अंडाणु बनने की क्रिया है, दोनों ही क्रियाएं कहां होंगी? जब जनन कोशिका में विभाजन होगा। जनन कोशिका के द्वारा ही कोई भी रूपांतरण, कोई भी युग्मक का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान रखना, युग्मक का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? कायिक कोशिका से नहीं, जनन कोशिका से होता है। तो जनन कोशिका के द्वारा पहली प्रावस्था है आपकी गुणन प्रावस्था। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? इसमें जितने गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो बनने वाली कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n ही रहेगी। यानी जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को शुक्राणु मात्रक कोशिकाएं या शुक्रजनक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु मात्रक या शुक्रजनक कोशिकाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आ सकता है एग्जाम में कि जनन कोशिकाओं से समसूत्री विभाजन के द्वारा किस कोशिकाओं का निर्माण हुआ? शुक्राणु मात्रक या शुक्रजनक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या शुक्रजनक कोशिकाओं में भी द्विगुणित यानी 2n ही रहती है। सेकेंड चीज, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? कोई भी चीज है वो वृद्धि करेगी। नाम से समझ में आ रहा है, गुणन के अंदर तो क्या हो गया? गुणित होना, विभाजित होना, और वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या होगी? वो वृद्धि करेगी। तो जितनी वृद्धि अच्छी होगी उतने ही आगे की कोई भी चीज है, कोई भी ग्रोथ है, यदि ग्रोथ के लिए टाइम रहती है तो उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट होता है वो भी अच्छा होता है। नेचुरल सी बात, किसी भी प्लांट, कोई प्लांट है रेगुलर ग्रोथ कर जा रहा है तो बाद में जब उसके फ्रूट्स आएंगे वो भी नेचुरल अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज की वृद्धि प्रावस्था में कोई भी कोशिका वृद्धि करती है। और सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये चीज कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? वृद्धि प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था होती है। तो ये गुणन, अब वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है?
गुणन अवस्था के अंतिम चरण में, ये गुणन अवस्था थी, इसके अंतिम चरण में जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान कर, जो शुक्र जनक कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ये कोशिकाएं जनन कोशिकाओं से पोषण प्रदान करके शुक्र जनक कोशिकाएं आकार में कैसे हो गई, दुगनी, यानी आकार यदि इतना सा था तो ये आकार बढ़कर के इतना हो, ठीक है, आकार यदि इतना सा था तो ये आकार बढ़कर के इतना बड़ा हो जाता है, तो आकार में कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और इस स्थिति में इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन कोशिका, शुक्रजनक कोशिकाएं जब आकार में वृद्धि करके दुगनी हो जाएंगी तो इन्हें क्या नाम देंगे हम, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं। देखिए यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी, द्विगुणित ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर केवल इसने वृद्धि करी है, कोई विभाजन की क्रिया भी यहाँ पर नहीं हुई है, तो ये कोशिकाएं जो कहलाती है वो क्या कहलाएंगी, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं कहलाती है। थर्ड प्रावस्था आती है आपकी परिपक्वन प्रावस्था, सबसे प्रमुख प्रावस्था मानी जाती है परिपक्व, जब मैच्योरिटी स्टेज पर आती है कोशिका तो प्रमुख प्रावस्था मानी जाती है। इस स्थिति में क्या हुआ, जो यहाँ पर प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका बनी, ये प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फर्स्ट 2n है यहाँ कोशिका, ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इसके बाद में क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर यदि फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं को हम नाम देते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाएगी, आधी रह जाती है। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से इनकी संख्या कितनी होगी, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, दो बनती है, ठीक है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से, और एक लेकर चल रहा है लेकिन बनती कितनी है, दो बनती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो एक कोशिका से कितने शुक्राणु कोण का निर्माण होगा, दो शुक्राणु कोण का या स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। भाई यहाँ पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्र की संख्या इस कोशिका में कितनी लगे एन, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आगे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कैसा होता है, समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, तो यहाँ पर कितनी कोशिकाएं बन गई, दो कोशिकाएं, दो शुक्राणु पूर्ण कोशिकाएं कहलाएंगी, और इसे हम स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, यानी ये चीज यहाँ पर जो बनी है द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने, चार एगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, चार एगुणित हो गए, एक कोशिका है एक और है, एक से दो बनी या दूसरे वाले से भी दो बनी, कितने हो गए टोटल, चार एगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट किसके बारे में पढ़ा हमने, शुक्राणु जनन की क्रिया के बारे में, कि शुक्राणु का जनन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होगी, पहली बात हमने करी शुक्राणु पूर्व का निर्माण यानी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, तो नोट डाउन करेंगे आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स को, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।